शिव योगिनी, कर्म योगिनी, रणरागिनी, महारानी अहिल्या देवी की प्रेरणा से उन्हीं के शब्दों में मैंने उन्हीं को समर्पित करते हुए मैं अहिल्या हूँ आत्मकथात्मक उपन्यास लिखा है, जिसमें देवी अहिल्याबाई के प्रेरणास्पद जीवन में निहित संस्कार, संस्कृति, भारतीय मूल्यों और परंपराओं के साथ उनके पुण्य कार्य, राजनीति और युद्ध कौशल का वर्णन किया है। उन्हीं के शब्दों में मैं अहिल्या हूँ उपन्यास आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मन थकने लगा था, अनेक शल्य मन में टीसते रहते थे, परंतु हमेशा भावना की अपेक्षा कर्तव्य का पलड़ा ही भारी रहा। अब लगने लगा था ईश्वर चिंतन में ही दिन बिताना चाहिए। सुबह सुबह जब माला लेकर पूजा घर में बैठी थी, शिव जी का जप चल ही रहा था कि हरकुबाई सासू माँ आती हुई दिखाई दी। वे बोली, अहिल्या थकी सी लग रही हो, क्या तबीयत ठीक नहीं? मैंने कहा, सारी जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़ सासू माँ और बाबा साहब चले गए। सोच रही थी कि मैं अपने सारे कर्तव्य पूरे कर पाई या नहीं। सासू माँ बोली, अहिल्या क्यों इतना सोच रही हो? तुमने राज्य के प्रति, प्रजा के प्रति अपने सारे कर्तव्य प्राण से निभाए, तो उनकी सही उत्तराधिकारिणी साबित हुई। पर सासू माँ, राज्य की चिंता तो मुझे अब भी है, अब उम्र भी होने आई। तुकोजी राव मुझसे उम्र में बड़े हैं, पर हमेशा उन्होंने मुझे मातुश्री कहकर संबोधित किया। बाबा साहब ने भी अंतिम समय में उन पर बहुत भरोसा जताया था। मालेराव की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर सौंपी थी। पता नहीं विधाता ने क्या लिखा है नसीब में, जो मुझ पर असीम प्रेम करते थे वे एक एक कर मुझे दुख के सागर में डूबने के लिए छोड़ गए, और जो बचे हैं जिन पर मैं राज्य की जिम्मेदारी छोड़कर जाना चाहती थी, वो न जाने इतने गैर जिम्मेदार क्यों हो गए। सासू माँ पूछने लगी, तुम किसकी बात कर रही हो अहिल्या? मैंने दुखी स्वर में कहा, चिरंजीव तुकोजी राव पर मुझे कितना विश्वास था। मल्हार बा को होलकर राजवंश का वारिस जान कितना स्नेह दिया, उनकी पत्नी के सारे कौतुक किए, पर अब वही मल्हार बा मुझसे सही तरीके से व्यवहार नहीं करते, मेरी अवज्ञा करते हैं। उनके सारे कारनामे मेरे सामने आ रहे हैं, अब कैसे उन पर वारिस की जिम्मेदारी सौंपे? सासू माँ बोली, अच्छा तभी तुमने उन्हें विशालगढ़ में कैद कर लिया, क्या करती? मैंने स्वयं के लिए और स्त्रियों के लिए जो विशेष घाट बनाए थे, वो वहाँ अपने साथियों सहित जाकर जानबूझकर स्नान करते थे ताकि सब परेशान हो। प्रजा को लूटना उनका शौक है। इंदौर में दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, जंगलों में घुड़सवारी करना, नशा करना, अपने पिता के सरदार होने का रौब जमाना, यही उनके कारनामे हैं। उन्होंने उज्जैन को भी लूटा, आखिर उन्हें 63,000 देने का लालच देकर महेश्वर बुलाया, पर वो नहीं आए। तब आखिरी युक्ति से उन्हें पकड़कर विशालगढ़ किले में कैद कर दिया।
भृगुजी राव भी पुत्र मोह में राज्य की निष्ठा भूलने लगे हैं। मल्हारबा की पत्नी का देहांत हो गया, किसी रिश्तेदार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में तुकोजी राव भी पहुंच गए उत्तर क्रिया के लिए। सभी को आमंत्रण दिया है, मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी, आप लोग चले जाइए। सासू माँ ने पूछा, मल्हारबा को कुशलगढ़ में संदेश दे दिया क्या? हाँ, अब तो मल्हारबा को छोड़ना ही पड़ेगा, तुकोजी राव की भी नाराज़गी दूर हो जाएगी। अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि समस्याओं का सामना कर सकूं। श्रावण मास शुरू हो गया था, बारिश मुझे हमेशा चौंडी गांव की याद दिलाती है और अब भी बचपन की स्मृतियों में खो जाती हूँ। अनायास मन बचपन की गलियों में ले जाता है, सहेलियों के साथ बारिश में भीगना, पेड़ों पर टंगे झूले झूलना। आई कहती, अरे अहिल्या बारिश में भीग मत, बीमार पड़ जाएगी। फिर घर आकर आई के हाथ की गरम गरम भाकर और पिठला खाने में कितना स्वाद होता था। माँ के सिखाए सारे संस्कार अब तक निभाती आ रही हूँ। श्रावण मास में हमेशा की तरह मरेश्वर में करीब 12-13 हज़ार ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी है। महेश्वर के सारे मंदिरों से भजन कीर्तन मंत्रोच्चारण व्रत निरंतर चल रहे हैं। थकावट है फिर भी लोगों से रोज मिलना हो ही रहा है, ज़रूरी पत्र पढ़ना फिर उनके जवाब देने होते हैं। भारमल दादा कहते हैं, महारानी साहब आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, राज्य के कारोबार चलते रहेंगे। पर मुझे मराठे शाही की गिरती साख से चिंता हो रही है। काश स्वामी होते तो होलकर वंश के वारिस का प्रश्न नहीं खड़ा होता, युवावस्था में ही उनको वीर गति प्राप्त हुई। मैंने सती जाना चाहा, पर बाबा साहेब और सासू माँ के अनुरोध को टाल न सकी। आंसुओं की आहुति कर्तव्य की बलिवेदी पर दे दी थी। बाबा साहब से वह प्रथम भेंट जब अशों से अपने ही बनाए शिवलिंग को खंडित होने से बचाने के लिए शिवलिंग को अपनी बाहों में ले भय से आंखें बंद कर बैठी थी, तब बाबा साहब ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर मेरे नन्हे हाथ थाम कर मुझे स्नेह से उठाया था और कहा था, बेटी डरो नहीं। और अंतिम समय में इन्हीं हाथों में होलकर वंश का पूरा राजपाट सौंप दिया था। माले राव और मुक्ता की परवरिश, राज्य की देखभाल, प्रजा की सुरक्षा, अब यही मेरे कर्तव्य थे। माले राव होलकर वंश के वारिस थे, सारी उम्मीदें उन्हीं पर टिकी थी। शुरू शुरू में ज़रूर उनका आचरण दुख देता था, पर जल्दी ही बाबा साहेब के शौर्य से प्रभावित हो उनके साथ युद्ध में जाना शुरू कर दिया था। मुक्ता का विवाह यशवंतराव फंसे से धूमधाम से किया। मुक्ता को पुत्र रत्न नथ्याबा हुआ, पर गुरुदेव से वह अल्पायु में ही ईश्वर को प्यारा हो गया। इकलौते पुत्र की मृत्यु का आघात यशवंतराव सह नहीं पाए और असमय ही उनके जीवन का अंत हो गया।
मुक्ता मेरे कितने समझाने के बाद भी सती हो गई। खंडेराव जी की पत्नियां मालेराव और नथ्यावा की बालिका पुत्र वधुएं मुक्ता सब पति के साथ सती हो गई। उनकी अग्नि से उठती चीखों की आवाजों की गूंज अब भी मेरे अंतर मन को झुलसाती है। हे सिद्धेश्वर, मैं यह सती प्रथा क्यों नहीं रोक पाई। मैंने देव और ब्राह्मणों के समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि मैं राज्य की संपत्ति का त्याग करती हूँ। मैं इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी कि ईश्वर ने मुझ पर जो उत्तरदायित्व रखा है उसे मुझे निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी रखना है। मैं अपने प्रत्येक कार्य के लिए जिम्मेदार हूँ। सामर्थ्य और सत्ता के बल पर मैं यहाँ जो भी कर रही हूँ उसका ईश्वर के यहाँ मुझे जवाब देना होगा। बारिश की वजह से हवा में हल्की सी ठंडक घुल गई है। हवेली से ही मुझे नर्मदा का घाट नर्मदा दिखाई देती है। चारों तरफ हरियाली की चादर बिछी हुई है। नर्मदा की लहरों में चमकता सुनहरे सूर्य का प्रतिबिंब होलकर राजवंश की स्वर्णिम कीर्ति सा लगता है। आजकल मुझे न जाने क्यों बहुत अकेलापन महसूस होने लगा है। हर कुबह सासू माँ आती हैं तो काफी मन बहल जाता है। आसमान में छाए काले बदलों में न जाने कितनी स्मृतियां छुपी हैं। रह रह के जब बिजली कौंधती है तो यादों की बिजलियां भी मानस में कौंधने लगती हैं। लगता है जैसे बाबा साहब कह रहे हों, अहिल्या प्रजा के सुख दुख हमारे सुख दुख हैं। अपनी प्रजा का दुख दूर करने में हमेशा प्रयत्नशील रहना। मेरा मन हो रहा है उनसे कहूँ, बाबा साहेब मैंने पूरी कोशिश की है जन्म भर कि प्रजा को कोई कष्ट न होने दूँ। कोई भी मेरे पास यदि समस्या लेकर आया है या न्याय मांगने आया है मैंने उन्हें हमेशा सहायता देने की कोशिश की है। मेरे राज्य में मैंने असहाय स्त्रियों के साथ कभी अन्याय नहीं होने दिया। किसान अपने खेतों में भरपूर अनाज उगा सके इसका ध्यान रखा। बाहर से कई कुशल कारीगरों को बुलाकर रोजगार दिए। कभी लगता गौतमाबाई सासू माँ कह रही हूँ, खासगी के पैसों का दान धर्म में खर्च किया ना अहिल्या। मैं कहती हूँ, हाँ सासू माँ, मैंने सारे तीर्थ यात्रियों का ध्यान रखा कि उन्हें कोई तकलीफ न हो। खेतों में रास्तों में छायादार फल वाले पेड़ लगाए, कुएं खुदवाए, बावड़ियाँ बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, मंदिर बनवाए। इन मंदिरों की पूजा अर्चना में कोई कमी न रहे इसके लिए हमेशा के लिए धन की व्यवस्था की। कई मंदिरों और मस्जिदों का जीर्णोद्धार किया, अन्न छत्र खुलवाए, सारे तीर्थ स्थानों पर घाट बनवाए, पशुओं के लिए चरागाह और पक्षियों के लिए खेत रखवाए। मैंने खासगी का एक रुपया भी निजी जरूरतों में खर्च नहीं किया, सारा लोकहित में खर्च किया। तभी ठंडी हवा का झोंका आया और मैंने एक शॉल ओढ़ ली। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मेरे दरबार में आने वाले हर मसले को मैं अच्छी तरह से निपटा सकूं।
मेरे राज्य में ऐसा माहौल है कि किसी के साथ अन्याय न हो। किसान अपने खेतों में खेती कर खुश हैं, उनके परिश्रम सफल हो रहे हैं। व्यापारी चारों ओर से अपना माल व्यापार के लिए महेश्वर ला रहे हैं। कर्नाटक, हैदराबाद आदि स्थानों से आने वाले ब्राह्मण और व्यापारी जब भी महेश्वर से गुजरते हैं, मुझसे ज़रूर मिलकर जाते हैं। इस वजह से उद्योग समृद्ध होने लगे हैं। बुनकर मेरे राज्य में आकर बेहद खुश हैं। उनके बुने वस्त्रों की प्रसिद्धि सारे देश में फैल चुकी है। मेरी दिनचर्या अभी भी हमेशा जैसी है। मैं सूर्योदय से पहले उठती हूँ, पूजा घर में जाकर पूजा करती हूँ, ब्राह्मणों से धर्म ग्रंथ का श्रवण करती हूँ, फिर ब्राह्मणों को भिक्षा दान देकर उनके भोजन का प्रबंध करती हूँ। जब तक ब्राह्मण भोजन नहीं कर लेते, तब तक मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करती हूँ। भोजन भी हमेशा सात्विक ही बनवाती हूँ। आजकल थक जाती हूँ, फिर भी राजकाज का काम निपटाना ही पड़ता है। शाम की संध्या आरती, फिर ज़रूरी पत्र पढ़ना और उनके उत्तर लिखवाना। आजकल जब रात को सोने जाती हूँ, एक एक करके मेरे अपने सभी मुझे याद आने लगते हैं। कभी कभी तो नींद में भी आभास होता है, जैसे कभी बाबा साहेब, कभी सासू माँ, कभी स्वामी, कभी मालेराव मुझसे बातें करते हैं। पता नहीं ये आभास है या सच में उनके पास जाने का वक्त आ गया है। कभी हरी साड़ी के साथ सारे दागिने और बड़ा सा कुंकू लगाए मुक्ता सामने आकर मुस्कुराती हुई खड़ी हो जाती है। है मल्हारी मार्दन, है सिद्धेश्वर, मेरी प्रजा का हमेशा ख्याल रखना, यही हाथ जोड़कर मांगती हूँ। सुबह सुबह मंदिरों से घंटियों की मंत्रोच्चार की पवित्र आवाजें आ रही है। मुझे जल्दी उठना चाहिए। सिद्धेश्वर की प्रातः आरती का समय हो गया है। जल्दी पूजा की थाली लेकर चलना चाहिए। बारिश तेज हुई तो मंदिर तक कैसे पहुंच पाऊंगी? लेकिन मुझसे उठा क्यों नहीं जा रहा? पहले तो मुझे नर्मदा माँ के दर्शन करने हैं। शरीर में उष्णता क्यों महसूस हो रही है? कानों में सासू माँ की आवाज दूर से आती लग रही है। अहिल्या, अहिल्या, क्या हो रहा है तुम्हें? सासू माँ, सेविका को बुला दीजिए, स्नान करना है, नर्मदा माँ के दर्शन करना है। लेकिन तुम्हारा शरीर तप रहा है, तुम अशक्त हो, कैसे जा पाओगी? सासू माँ, मुझे जाना ही है, और फिर मुक्ता भी तो साथ है, देखो वह भी तैयार होकर आई है। हाँ इल्या, देखो सेविका आ गई है, सेविका से कहकर पालकी का प्रबंध कर दिया है। चलो माँ नर्मदा के घाट पर तुम्हें दर्शन करा लाऊं। हे माँ नर्मदा, तुम्हारे दर्शन के लिए आ रही हूँ। हे माँ नर्मदा, तुम्हारे शीतल जल का स्पर्श
बहुत शांति दे रहा है। माँ, मेरा नमन स्वीकार करो। माँ, मैं रहूँ न रहूँ पर मेरा स्पर्श तुम्हारे चरणों में बना रहे, तुम्हारी लहरों को छूता रहे। इस घाट का पवित्र स्पर्श मुझे हर पल महसूस होता रहे। मेरे कदमों के निशान इस घाट पर अमिट रहें। माँ, तुम्हारी जो भी परिक्रमा करें उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तुम्हारी अलौकिक छवि आँखों में बसी रहे, चाहे आँखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं। माँ, मैं रहूँ न रहूँ पर सदा तुम्हें अर्ध देती रहूँगी। तवदीय पाद पंकज नमामि देवी नर्मदे। सासुमा मुक्ता, चलो। ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथों का पाठ शुरू कर दिया होगा। महेश्वर के मंदिरों से मंत्रोच्चार की आवाजें आ रही हैं। हे सिद्धेश्वर, मंदिरों से आती महामृत्युंजय जप में मेरे स्वर भी हमेशा के लिए शामिल कर लो। जब तक शिव की सत्ता इस ब्रह्मांड में है, मेरा अस्तित्व भी उसी सत्ता में कायम रहे। कुएं के पानी में, वृक्षों की छाया में, धर्मशालाओं की दीवारों में, मंदिरों की घंटियों में, आरती की धुनों में मेरे स्वर गूंजते रहें। महेश्वर की पगडंडियों में, इंदौर के हर देवालय में, नर्मदा की कल कल में, चौंडी के सिद्धेश्वर मंदिर में मेरी प्रार्थना के स्वर हमेशा शामिल रहे। मेरी हर सांस के स्पंदन में मेरी प्रजा का सुख मांगती हूँ। सासू माँ की आवाज आ रही है, अहिल्या अब लौट चले। नर्मदा माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। चलो सासू माँ, लौट चले। लेकिन जरा रुको, मेरी कामधेनु मेरी और इस तरह कातर नजरों से देख रही है, ये इस तरह क्यों रंभा रही है? आंखों में आंसू है। अपने कक्ष में आकर मंच पर लेट जाती हूँ। सासू माँ ने अपने हाथों में मेरी हथेलियाँ पकड़ रखी हैं। उनके हाथों का शीतल स्पर्श सुखद लग रहा है। कानों में मृत्युंजय जब गूंज रहा है। सासू माँ कह रही हैं, अहिल्या ये तीर्थ पी लो। मैं पूछती हूँ, ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था ठीक से हो गई ना? मुक्ता, मेरी ओर से गोदान कर दो। वैद्य जी, अब और औषधि मत दीजिए। शरीर में उष्णता महसूस हो रही है। क्या कहा? कामधेनु अंतिम सांसें गिन रही है। चल मुक्ता, सिद्धेश्वर की संध्या आरती का समय हो गया है।
सिद्धेश्वर, निरंजन की ज्योत मंद क्यों पड़ रही है, लेकिन मेरे चारों ओर अलौकिक प्रकाश ही प्रकाश है। मैं सुनहरे प्रकाशित पथ पर बढ़ रही हूँ। शरीर का ताप शीतलता में बदलता जा रहा है। शिवलिंग पर चढ़ा पुष्प मेरे मस्तक पर गिरकर सुखद स्पर्श का अनुभव दे रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे सिद्धेश्वर, तुम्हारे चरणों में मस्तक रख रही हूँ। पंचारती में प्रज्वलित ज्योत के प्रकाश वलय में विलीन हो रही हूँ, विलीन हो रही हूँ। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।